फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार मैं बहुत दिनों में अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूं और ये ब्लॉग मैं अपने खेत से बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा हमारे खेत पर क्या क्या है, क्या नहीं है और कैसा है, सब कुछ वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, ये हमारे खेत पर कुटिया, जहाँ पर हमारे जो रिलेटिव है वो रहते हैं और वो भी आ चुके हैं यहीं पर। और ये हमारा कुआ दोस्तों, और सामने आप देख सकते हो गौ माता चल रही है। और इधर देख सकते हो ये ट्रैक्टर रखा हुआ है यहाँ पर, और मैं आपको इधर दिखाऊंगा दोस्तों ये बैंगन। और इसके बाद है टमाटर, और ये है लेडी फिंगर भिंडी। और आगे लेके चलता हूँ मैं दोस्तों, फूल आ चुके हैं लेकिन अभी लगी नहीं है, शायद कहीं ना कहीं उनका मिल सकती है क्रिसमस से। तो दोस्तों, मुझे एक ककड़ी मिल चुकी है यहाँ पर, देख सकते हो अभी छोटी है ये, इसकी ग्रोथ अभी हुई नहीं पूरी तरह से। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, मैं देख के चलता हूँ आपको आगे। ये दोस्तों हमारा खेत, यहाँ पर इसमें गेहूँ थे और गेहूँ कटाई के बाद निकलाने के बाद इसमें हमने मूंग लगाए, तो मूंग धीरे धीरे निकलने शुरू हो चुके हैं, देख सकते हो आप ये मूंग। और सामने दोस्तों सनसेट व्यू देख सकते हो आप। तो दोस्तों, ये हमारे ओनियन का फार्म जहाँ पर हमने लगा रखी है बहुत सारी ओनियन। और इसके आगे ये हमने मूंग लगाए हैं दोस्तों, इस बार प्याज की फसल बड़ी तादाद में है सभी के पास। और ये गौ माता आप देख सकते हो, यहाँ पर गौ सेवा होती है। अच्छा फार्म है दोस्तों, ये मैंगो ट्री, और इधर भी आप देख सकते हो मूंग लगे हुए हैं। और पीछे सनसेट व्यू। और ये दोस्तों चना जो भी हमने निकाले नहीं है, भी हमने मूंग लगाए और ये निकलना शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे। और मूंग की दोस्तों सबसे अच्छी दलहन तिलहन की फसल मानी जाती है, जो बहुत कम समय में अपना उत्पादन देती है, लगभग 2 से 2.5 महीने में ये फसल लगाती है। और ये एक्स्ट्रा इनकम का बढ़िया सोर्स है। और इसके बाद इसमें फिर सोयाबीन मक्का की बुवाई भी हो जाएगी आराम से, सकते हो दोस्तों। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ राम टेकरी, ये दोस्तों राम टेकरी आश्रम जो हमारे गांव से काफी नजदीक है। और जस्ट साइड में ही आपको दिखाई देगा रामानंद स्कूल,
ये दोस्तों हमारे गांव के जस्ट पास में ही राम टेकरी पर SSRVS स्कूल CBSE पैटर्न पर आधारित है। देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे राम जी जगदीश नाना जो काफी गौ सेवा करते हैं यहाँ पर, और गौ सेवा के अलावा खेती भी करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं दिन भर, और खेतों की रखवाली भी करते हैं, और हमें इन पे काफी ट्रस्ट है इसलिए हमने इनके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। तो देखना अभी ये गौ माता को ले जा रहे हैं लगाने के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये ब्लॉग जो मैंने अभी शूट किया है, तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए ही से कंटेंट लाता रहूं, क्योंकि जब तक आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप इस बार सब्सक्राइब करके ही जाएंगे चैनल को और मुझे मोटिवेट करेंगे, ताकि मैं आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आता रहूं। तो दोस्तों बन सकें, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।